100% राशिफल नहीं देख रहे हो। मकर राशि के लिए मैं 10 दिन पहले वीडियो दिया स्पेशल, राशिफल के बाद चंद्राष्टम, अगला 7 दिन मकर राशि का, देख लीजिए वीडियो दिया हूं। आप देखे हो नहीं देखे हो? देखे हैं। क्या बोला हूं उसमें कि आने, हाँ, अष्टम चंद्रमा चंद्राष्टम के वजह से मानसिक तनाव रहेगा। ये वीडियो और मैं स्पेशल मकर के लिए बनाया कि देखो आपके अष्टम स्थान में यहां पर पूर्णमासी हो रहा है, पूर्णिमा होगा, क्योंकि कुंभ के घर में सूर्य है, सिंह के घर में अष्टम में चंद्रमा आया था, और इस समय मैं बताया था कि देखो अष्टम स्थान में अगर चंद्रमा आ जाएगा और उसमें पूर्णिमा होगा तो इसका इफेक्ट आने वाला करीब करीब 7 दिन तक, मिनिमम 15 दिन तक सडन टेंशन, तनाव, मन में कुछ सोच नहीं आना, इच्छा नहीं होना, बैठे रहना, प्रोकास्टिनेशन, गलत ख्याल, बुरी चिंताएं, किसी किसी को ऐसा लगा कि कोई गले में दबा दे रहा है, अष्टम स्थान का पूर्णिमा अत्यधिक मानसिक तनाव के साथ सेक्सुअल हंगर बिल्डअप कर देता है, कर्म में बाधा कर देता है, मन को डाइवर्सन में लाके दे देता है। ये वीडियो स्पेशल बना के दिया और आज आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं 2 दिन से बहुत परेशान थी, टेंशन में था, तनाव में था और मन अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी। बोल रहे हो ये तो मैं 7 दिन पहले निकाला हूं। चंद्र अष्टम के बारे में बताऊं कि देखो भाई कर्म में बाधा होगा, मन में इधर उधर का भटकाव, भ्रम भूल आएगा, राशिफल में दिया हूं। हाँ, तो ये कहीं से भी प्रेशर आए ना उसको प्रेशर ही समझो, बाधा आ रहे हैं तो बाधा ही समझो। और याद रखना, हाँ बोलिए, सबसे पहले एक एक प्रश्न का समाधान ले लीजिए, जो 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 आप मेरे को पूछे हैं उनका एक एक समाधान देता हूं। एक नंबर, इस प्रकार का जो कंडीशन अभी आपको आया ऐसे वाला रिपीट होगा मकर राशि के लिए, अभी फिर से अगला महीना रिपीट होगा, और यहाँ ये जो परिस्थिति मकर राशि के लिए कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, इसके लिए भी स्पेशल वीडियो दिया हूं कि जब तक मैं पार नहीं होता है और शनि नक्षत्र परिवर्तन नहीं करते, गुरु पंचम में नहीं जाएंगे, शनि बाबा अपना सतभिषा को छोड़ के पूर्व भाद्रा में नहीं जा रहे हैं, तब तक मकर राशि वालों के लिए कभी थोड़ा सा सुख, कभी तनाव, कभी टेंशन, कभी अच्छा लगेगा कुछ काम कर लोगे, कभी डिप्रेशन लगेगा, कभी बैठ जाओगे, इसके ऊपर भी एक वीडियो दिया हूं। ठीक है, लग्न के अनुसार उसको मैं निर्धारण करके दिया। तो आपको ऐसे जब आए तो क्या करोगे, पहले उसको ध्यान देना। जो सिंदूर आपके पास भेजा गया है उस सिंदूर को पकड़ के यहां लगाओगी तो उसमें क्लॉकवाइज घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और उस जो मंत्र है उस माता का, उस मंत्र को रिपीट करना है। सिंदूर लगाते हुए जो मंत्र आपको आपके पास दिया गया उस मंत्र का रिपीटेशन करना है, एक नंबर। दूसरा यह है, क्योंकि राहु का महादशा चल रहा है तो थोड़ा सा रात को सोने के समय तुलसी और सफेद चंदन माथे पे आज्ञा चक्र पे लगा के सोना है। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? हाँ, घिसने वाला चंदन, खरीदे हुआ पाउडर चंदन नहीं, घिसने वाला चंदन घिसना है, लकड़ी में पत्थर में तुलसी का पत्ता डालना है और यहां लगा देना है। ठीक है, और चंदन का माला, ओरिजिनल नहीं मिले तो मेरे पास पेड़ है, मैं भिजवा दूंगा, चंदन का माला बना के। थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, सैंडलवुड आप जानते हैं बहुत कॉस्टली रहता है और उसको बनाने में तो और ज्यादा खर्चा बढ़ता बैठता है। ठीक है, तो अच्छा से बना के उसको पहनाना है, रात को बना के, रात को पहन के सोइए, अगर दिन में पहनने का नहीं है रात को पहन के सोइए, इस प्रकार के परेशानी से दूर होंगे। तीसरा इसका रेमेडी यह है कि मयूर का पूछ जानते हो, मयूर का पंख आपके दिल्ली में होजकास में ज्यादा मिल जाएगा, वो जगन्नाथ मंदिर के सामने बहुत बड़ा एक ठो गार्डन टाइप था, 20 साल पहले मैं देखा था, वहां बहुत मयूर हैं, मोर 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 पिकॉक पिकॉक। ठीक है, हाँ उसको, हाँ छोड़ा ना, बस ये बस, वेरी गुड, आपके घर से आके छोड़ा दिल्ली में, क्या बात है, वेरी गुड। तो उसको लेके अपने सर से लेके पैर तक उतारा कर देना है, 9 बार लाल सूता में उस मोर के पंख को बांध देना है, सिराने में रख देना है। ठीक है, आप जहां सोते हो सर के तरफ उधर रख देना है,
हाँ सीधे हाथ नहीं, ऊपर से नीचे की ओर उतरना है, ठीक है।